अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इस टाइम आया हूँ जंगल मड़ियाला रेलवे स्टेशन पे। और इस रेलवे स्टेशन के बारे में देखते हैं। तो अभी मैं इंटर हो रहा हूँ यहाँ पे, और ये खानवाल लोधरा ट्रैक के बीच में वाकया है। सो देखते हैं कि ये रेलवे स्टेशन कैसा है। तो अभी मैं आया हूँ इस टाइम, इसका एंट्रेंस भी दिखाते हैं। तो माशाल्लाह से इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसको सजाया हुआ है। तो सबसे पहले आपको शायर पाकिस्तान अलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह उनकी पिक्चर आप देख रहे होंगे। उसके बाद ये ट्रेन्स की पिक्चर्स लगी हुई हैं, कुछ जर्मन है, कुछ GU40 के हैं। और इसके अलावा यहाँ पे पाकिस्तान का मैप भी है, और सर सैयद अहमद ख़ान साहब जो हमारे हैं उनकी भी पिक्चर लगी हुई है, और लियाकत अली ख़ान साहब की भी है। तो बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। मोहतरमा फ़ातिमा जिना और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना जो हमारे बानी हैं उनकी भी पिक्चर है। और ये देख रहे हैं भोलपुर चौलिस्तान का इन्होंने ट्रैक को मैंशन किया हुआ, टिकट वगैरह हमारा ओपन है। सो व्यूअर्स, बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है, और लुक देखें इसकी, लकड़ी का काम देखें। तो चले आएँ, आगे चलते हैं। माशाल्लाह काफ़ी हरियाली है इस रेलवे स्टेशन के ऊपर, और ये हमारी जो आरामगाह है बराए अफसरान, और इन लोगों ने काफ़ी यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह लगाई हुई हैं हमारे पाकिस्तान के जितने भी जो कायद है, या मतलब एक तो हमारे कायद मोहम्मद अली जिना थे, और इसके अलावा उन लोगों की पिक्चर लगाई हुई हैं जिन्होंने हमारे मुल्क के लिए जाने भी दी, और हमारे मुल्क के लिए हर किसी ने अब तक अपना किरदार अदा किया। तो इस टाइम जो है ये देखें, ये ऑफिसर्स का वेटिंग रूम है, और माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है, नीट एंड क्लीन है। और यहाँ पे ऑफिसर्स रेस्ट रूम की जो लिस्ट है फर्नीचर की, वो है एज़ यूज़ुअल। और ये अंदर का व्यू है, ये तख्त है नमाज पढ़ने के लिए। तो ये वेटिंग रूम था ऑफिसर्स के लिए जो कि यहाँ पर रात को स्टे करते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे पौधे बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, और मैं आपको इसकी लुक दिखा देता हूँ। बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने काम किया हुआ यहाँ पे। तो ये जो है ये डाउन साइड है हमारी जंगल मड़ियाला रेलवे स्टेशन की, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की खूबसूरती। तो ये है हमारा जंगल मड़ियाला रेलवे स्टेशन, और यहाँ पर बाथरूम भी बना हुआ है जो कि अभी इस्तेमाल में है, काफ़ी अपग्रेड किया हुआ है इस रेलवे स्टेशन को। तो अभी मैं वापसी पे आपकी मुलाकात करूँगा यहाँ के ASM से इंशाल्लाह ताला, उनसे आपको जो रिव्यू है वो देखेंगे। और ये डाउन साइड है जंगल मड़ियाला रेलवे स्टेशन की, आपको यहाँ से ज़रा मैं इसका दिखा देता हूँ। ये देखें, ये जंगल मड़ियाला रेलवे स्टेशन है। तो अभी ये वाशरूम्स है कुछ यहाँ पर, इसके अलावा जो है मैं यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये यहाँ के रेजिडेंशियल हैं जो कि काफ़ी टाइम से यहाँ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। सो इनसे पूछते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद हनीफ। मोहम्मद हनीफ? अच्छा, मोहम्मद हनीफ आपका नाम है। जी जी। तो अभी आप जंगल मड़ियाला रेलवे स्टेशन पर इस टाइम आप खड़े हुए थे, तो आप क्या कहना चाहेंगे, ये स्टेशन कब बना, कब से आप यहाँ पर आ रहे हैं? ये स्टेशन तकरीबन बहुत पुराना है, हम तो 1976 से इसको जानते हैं। अच्छा, 1976 से आप जानते हो। हाँ। तो आप क्या डेली यहाँ रेलवे स्टेशन के ऊपर आते हो? हाँ बिल्कुल डेली, तकरीबन 4-5 टाइम आते हैं। अच्छा, 4-5 टाइम आते हो। हाँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कौन कौन सी ट्रेन रुकती थी, आपको कोई याद होगा यहाँ पहले? हाँ हाँ, पहले एक ट्रेन रुकती थी इधर से, समा सेटा से चलती थी वजीराबाद। ठीक है ठीक है, वो रुकती थी शाम के टाइम। ठीक है, फिर एक चलता था और छोटा पैसेंजर था डब्बा। ठीक है, वो यहाँ तकरीबन मगरब टाइम भी रुकता था। ठीक है, और दोपहर को भी रुकता था। सही है, फिर वो ट्रेनें जो थी ना वो यहाँ को सवारियों की वजह से, हाँ जी, वो फिर यहाँ स्टाफ उनका बंद कर दिया। तो
पैसेंजर कम थे। अच्छा, अभी कोई ट्रेन रुकती है अभी मौजूदा? अभी कोई ट्रेन नहीं रुकती। अगर कोई क्रॉस होता तो रुकती है, वैसे ट्रेन यहाँ को नहीं रुकती। अच्छा, आप क्या रेलवे से मोहब्बत करते हैं जो दिन में 4-5 दफा इधर आके बैठते हैं? घर नजदीक है ना, घूमते फिरते धूप होती है, यहाँ बैठते हैं। अच्छा, ट्रेन तन्हाई में? अच्छा, ट्रेन अच्छी लगती है या बस ऐसे ही है? नहीं, ट्रेनें देखते हैं माशाल्लाह, अच्छा रेलवे पाकिस्तान। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पे पाकिस्तान रेलवे को क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके यार आला हुकाम जो हमारे, कि उनको क्या चाहे, आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या राय है? काम यही है कि ट्रेनें अच्छी होनी चाहिए, अच्छी स्पीड से चलनी चाहिए, जो पैसेंजर अपने टाइम से जाने चाहिए। ठीक है, तो टाइम से। और इस स्टेशन में आपको कोई, इस स्टेशन के बारे में कोई ट्रेन या कोई आप चाहते हो कभी आपको यहाँ पे कोई ट्रेन चाहिए तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो जी, रुक जाएगी तो अच्छी बात है, काफी, अभी तो पहले तो आबादी नहीं थी। ठीक है, ठीक है, अभी काफी आबादी हो चुकी है। ठीक है, अगर कोई पैसेंजर यहाँ से चढ़ने जाए, कहीं भी जाना चाहेंगे, उनको आसानी हो जाएगी, अगर रुकेगी तो बेहतर है। अच्छा, रुकेगी तो बेहतर है, तो आप ये मैसेज देना चाहते हैं क्योंकि आबादी काफी बढ़ गई है। हाँ, आबादी पहले तो 76-75 में नहीं थी। ठीक है, ठीक है, अभी तकरीबन काफी आबादी होगी, घर के साथ घर है, देखो अभी तकरीबन 400-500-600 घर यही है। सही सही सही, माशाल्लाह, ये जंगल बरियाला की आबादी यहाँ पे आप देख रहे हैं, बड़ी आबादी है अभी। तो व्यूअर्स, ये स्पेशली मैंने विजिट किया जंगल बरियाला का, तो मैंने सोचा की यहाँ की वीडियो डालनी चाहिए। स्टेशन को तो बड़ा जबरदस्त इन्होंने अपग्रेड किया हुआ, ये तो बहुत अंग्रेजों के जमाने का मेरा ख्याल, बहुत पुराना है। और तस्वीरें वगैरह भी इन्होंने अच्छी सी लगाई हुई है, काफी साफ सुथरा, पौधे वगैरह, ये पौधे इन लोगों ने लगाए। हाँ, पौधे इन्होंने खुद लगवाए हैं। सही है, तो चना जी बहुत शुक्रिया आपका। और टैक्स लगेगा? अच्छा, ये ना यहाँ के लोग जो हैं इकट्ठे हो गए अभी यहाँ पे, और वो कोई मैसेज देना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये बाबा जी हैं, ये पहले भी इनसे मैंने कुछ पूछा, तो अभी आप बताना चाहेंगे आप क्या मैसेज क्या चाहते हैं आप? मैसेज जी हमारा यही है रेलवे को कि यहाँ कोई ट्रेन रुक जाए तो हमारे लिए कोई सहूलत हो जाएगी, अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि काफी आबादी बढ़ चुकी है। ठीक है, ठीक है, इस टाइम हड़तालें वगैरह होती हैं, रोड बंद हो जाते हैं, रोड ब्लॉक हो जाते हैं। चलो ट्रेन में आसानी से, एक तो सफर का उसमें आसानी से गुजरता है, एक रेलवे में पैसा कम होता है। ठीक है, तो व्यूअर्स आप देख रहे होंगे कि यहाँ के जो लोग हैं ये हमारे कुछ ज़ईफ लोग हैं, कुछ यहाँ यंग बच्चे भी हैं, छोटे भी हैं, तो ये लोग इस टाइम खुशी के मारे यहाँ पे आए कि चलो हम पाकिस्तान रेलवे के जो आला हुकाम है या वज़ीर पाकिस्तान जो रेलवे जो हैं उनसे हम लोग रिक्वेस्ट कर सकें कि जो ट्रेन जो है वो चलनी चाहिए। तो व्यूअर्स, इसी खुशी में इन लोगों का जो मैसेज है वो आला हुकाम तक जाना चाहिए, तो इसी खुशी में एक नारा लगा देते हैं, रेलवे की बहाली, कौम की खुशहाली, कौम की खुशहाली, पाकिस्तान रेलवे जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो व्यूअर्स, ये इन सब की खुशी थी, और ये सब लड़के बड़े पुरजोश तरीके से आए, भी हम लोग भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये सब इकट्ठे हुए और इन्होंने एक अच्छा एक पॉजिटिव स्पिरिट शो करवाया कि हम लोग जो है एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं आला हुकाम को। तो इन सब की जो रिक्वेस्ट है वो ज़रूर कबूल की जाए और यहाँ पे जो है एक स्टॉप दिया जाए ट्रेन का। सो बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के, बड़ी खुशी हुई मिलके इनसे। तो चले अब आपको आगे दिखाते हैं जी। जी व्यूअर्स, आपने देखा होगा कि जंगल मरियाला के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि रोही एक्सप्रेस का हमें स्टॉप दिया जाए, लेकिन रोही एक्सप्रेस जो है बिल्कुल बंद है। तो कोशिश यही है कि हमारी जो बंद ट्रेन है वो चलनी चाहिए। तो अभी मैं आपको स्टेशन का फ्रंट व्यू दिखाता हूँ यहाँ से, और लोग काफ़ी यहाँ के एक्टिव लोग हैं और बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं और स्टेशन पे टाइम भी स्पेंड करते हैं कि चलो घूमने फिरने की एक अच्छी जगह है। तो व्यूअर्स, पाकिस्तान रेलवे के जो एम्प्लाइज हैं उन्होंने माशाल्लाह स्टेशन को बहुत अच्छे तरीके से संभाल के रखा हुआ है। देख रहे होंगे यहाँ काफ़ी सारे पौधे भी लगे हुए हैं, और इन्होंने जो यहाँ पे पिक्चर्स लगाई हुई हैं हमारे पाकिस्तान के जो ख़ास ख़ास जो हमारे लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी, जिसमें हमारे कुछ कायद हैं, कुछ शायर हैं। तो ये है जंगल मरियाला रेलवे स्टेशन, और आप देख रहे होंगे कि ये उसका व्यू है जंगल मरियाला रेलवे स्टेशन का। और ये रेलवे स्टेशन 1870 में बना, ठीक है, और अभी तक जो है ये रेलवे स्टेशन कायम व दायम है। और आप देख रहे होंगे कि मैं आपको दिखा देता हूँ जी, तो ये आप देख रहे होंगे इसके ऊपर कुछ किलोमीटर्स की रेंज लिखी हुई है और कुछ इसकी हाइट भी लिखी हुई है, और जंगल मरियाला रेलवे स्टेशन का नाम है, और ये 1870 में ये बना था, ठीक है। और ये ASM का रूम है, और इसके अलावा ये बत्ती गोदाम है, इसको देखते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त इन लोगों ने इसका व्यू बनाया हुआ है, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर पानी का कुआं भी है। तो ये जो है ये इस टाइम स्टोर है, बत्ती गोदाम है और स्टोर है, बहुत अच्छा सिटिंग पॉइंट है ये फायर फाइटिंग का। यहाँ पे इन लोगों ने बाल्टियाँ लटकाई हुई हैं, अगर आग लगती है तो उस सूरत में ये उसको कवर करते हैं। और ये हमारी जो है ये अपसाइड है, ये आप देख रहे होंगे जंगल मरियाला रेलवे स्टेशन की,
और चले आएँ। अब आपको ASM ऑफिस में लेके चलते हैं। ये ASM ऑफिस का फ्रंट है माशाल्लाह, और बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोटो सेशन हुआ है यहाँ पे, देख रहे होंगे आप। ये सिटिंग पॉइंट है यहाँ का, और बहुत ज़बरदस्त सीनरीज वगैरह लगी हुई है यहाँ पे। जी व्यूअर्स, मैं इस टाइम ASM रूम में हूँ, और माशाल्लाह से इन लोगों ने बहुत ही ज़बरदस्त इसको डेवलप किया हुआ है, और बड़ी खुशी हुई यहाँ आके देख के, यहाँ की क्लीनिंग, यहाँ की सफाई, और आप सीनरीज देखें यहाँ पे। और इन लोगों ने स्टेशन को ऐसा रखा हुआ है कि जैसे बहुत न्यू स्टेशन हो, और इनकी मोहब्बत देखें यहाँ पे कि इन्होंने पाकिस्तान रेलवे से किस तरह अपनी मोहब्बत के इजहार को यहाँ पे शो मतलब किया हुआ इजहार यहाँ पे, और हर चीज़ एग्जैक्ट अपनी अपनी जगह पे लगी हुई है। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इन लोगों ने सारे सेफ्टीज़ के जो रूल्स हैं, और पाकिस्तान रेलवे का मोटो क्या है, सेफ्टी फर्स्ट है। तो इसके अलावा यहाँ पे थोड़ा सा ये मैप है इस रेलवे स्टेशन का, और ये टिकट घर है जो कि किसी दौर में टिकट घर की जो खिड़की थी इस्तेमाल होती थी, यहाँ से टिकट देते थे। तो फिलहाल इस रेलवे स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं रुकती, सो डैट्स वाई जो है ये अभी नॉट इन यूज़ है। बट यहाँ पर जो ASM साहब है उन्होंने बहुत अच्छा इसको मेनटेन करके रखा हुआ है, और बड़ी खुशी हुई यहाँ के स्टेशन मास्टर के जो ऑफिस हैं उनको देख के। प्रॉपर हर चीज़ है, आप देखें यहाँ पर्दे भी लगे हुए हैं, और बिल्कुल नीट एंड क्लीन जो है यहाँ का जो है ऑफिस है इनका, माशाल्लाह से देखें तो हर चीज़ चमकती हुई आपको दिखाई दे रही है, एज इट इज़ किसी चीज़ के ऊपर आपको डस्ट नहीं दिखाई दे रही होगी। और माशाल्लाह से जिस टाइम ये वर्किंग कर रहे हैं, सो मैं इनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहूँगा, तो बहुत ज़्यादा इनका शुक्रिया कि इन्होंने अपनी जो काविश है पाकिस्तान रेलवे के लिए जो है इन्होंने यहाँ पे शो करवाई, काफ़ी सारे जो पिक्चर्स हैं और इस तरह जो हर चीज़ के ऊपर टैगिंग की हुई है इन्होंने प्रॉपर कि किस चीज़ का क्या मकसद है, और कुछ कूलर्स हैं। और माशाल्लाह से ये सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कुरान पाक इन्होंने रखा हुआ है, माशाल्लाह उसको भी ये पढ़ते हैं। और ये हमारा मतलब मैन ब्रिज जो हमारा है चेंज ओवर है, और इसके अलावा आप देख रहे होंगे तो ये थोड़ा सा इनका रेस्ट रूम है। तो व्यूअर्स, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और तो ज़रूर आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, ये मैं ASM साहब से मिलने यहाँ भी मैंने इनसे मुलाकात की, पहले ये थोड़ा सा काम में मसरूफ़ थे। तो व्यूअर्स, आपने इनकी सफाई तो देख ली होगी सारी, तो मैं इनसे पूछता हूँ अस्सलाम, ये जो आपने इतना ज़्यादा चमका के रखा हुआ, क्या आपको भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत है पाकिस्तान रेलवे से? नहीं, इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे और चमका के रखेंगे ऐसे ही हमेशा। ठीक है, तो आपका नाम क्या है? महबूब इकबाल। महबूब इकबाल, तो ये महबूब इकबाल साहब जो है यहाँ के ASM है, बड़ी खुशी हुई आपका, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया आपका, खास तौर पे ऑफिस देख के, और सबसे ज़्यादा आपने जो पौधे लगाए हुए हैं, और ये इतनी सारी पूरे रेलवे स्टेशन के ऊपर आपने सीनरीज लगाई हुई हैं जिसमें हमारे कायदे मिल्लत जो हैं, और इसके अलावा बानी हमारे जो हैं, और मोहतरमा जो हमारी हैं बड़ी फातिमा जिनार है, मतलब हर जगह आपने पिक्चर लगाई, और ये देखें सारे आपने रेलवे मतलब आपने अंदर का जो ऑफिस है एज इट इज़ हर चीज़ चमक रही है, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैं आपका पर्सनली तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक जंगल मरियाला नाम का रेलवे स्टेशन उसको इतना सजा मतलब इतना सज धज के उसको आपने बना के रखा हुआ है कि दिल खुश हो जाता है देख के, हर चीज़ प्रॉपर है, क्लीन है, नीट एंड क्लीन है। और मैं आपका दोबारा से शुक्रिया अदा करूंगा। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे आवाम को या पाकिस्तान रेलवे को? मेहरबानी सर, दुआओं में याद रखना इंशाल्लाह। चलें जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपका महबूब आलम साहब। तो व्यूअर्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जी व्यूअर्स, आपको ASM से एक शॉर्ट मीटिंग मैंने करवाई तो बड़ा मज़ा आया, और ये जो है ये इन्होंने हर चीज़ को प्रॉपर मेंटेन किया हुआ है, यहाँ पे सारे पौधे वगैरह लगाए हुए हैं इन्होंने। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मैं यहाँ से होने लगा हूँ रवाना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाना है। यहाँ पे नॉन स्टॉप ट्रेन गुजरती हैं, थ्रू की ट्रेन यहाँ से गुजरती हैं, किसी दौर में रोई एक्सप्रेस का और एक शटल ट्रेन थी उसका यहाँ पर स्टॉप था। सो आई होप यू लाइक इट। व्यूअर्स, ये इसका फ्रंट लुक है, मैं आपको दिखाता रहूँ, और इन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको मेंटेन किया हुआ है। सो व्यूअर्स, ये था मेरा आज का शॉर्ट व्लॉग, और अब मैं जा रहा हूँ वापसी, तो मिलते हैं तब तक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जी तो मैं यहाँ से वापसी की तरफ रवाना हूँ, ये जंगल मरियाला रेलवे स्टेशन था, और आपने यहाँ के लोगों की वॉइस भी सुनी, तो पाकिस्तान रेलवे से भी गुजारिश है उनके जो वज़ीर हैं आज़म सवाती साहब, तो काइंडली वो जो है इसको यहाँ पे एक स्टॉप दें, रोई एक्सप्रेस को दोबारा चलाएँ, और इनकी खूबसूरती देख के बहुत ज़बरदस्त लगा, बहुत अच्छा लगा। तो ये इसका इंटरेस्ट व्यू है। तो व्यूअर्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। मिलते हैं नई ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।